जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। तुमने क्या सोचा ने का? दुनिया के सामने मैं तुम्हारी इंसल्ट होने दूंगा? मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। तक चुप नहीं बैठेगा, वो हमारा गुस्सा प्रियंका पे निकालेगा। जानता हूं, लेकिन मुश्किलात का सामना हमने पहले भी किया है ना। क्या है ना निका, इस बार भी करेंगे, पर कितना है कि इस बार हम साथ हैं। हम साथ हैं, हाँ कहा था मैंने तुमसे, मैंने कहा था मैं अपनी बीवी के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों रुक रहे हो? नहीं रोके, lovelyshadi.com superb। अगर बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर नाम का कोई अवार्ड होता ना तो आई स्वेयर मैं तुझे ही देता, लेकिन बेस्ट ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं तुझे नॉमिनेट भी नहीं करता। जब बात आई चुनने की बीवी और बहन के बीच में, तो सरप्राइजिंगली तूने चुना तेरी बीवी को, और ये भी नहीं सोचा कि तेरी ये हरकत से तेरी बहन पर क्या असर पड़ेगा। बेचारी प्रियंका, अब तू देख तेरी बहन की इज्जत की धज्जियां मैं कैसे उड़ाता हूं। इसे प्लीज धमकी मत समझना, मैं वो फोटो मीडिया वाले को भेजने वाला हूं, वो भी उसके साथ। क्यों करना है? कर, तुझे सब मजाक लग रहा है? मेरा वक्त जाया मत कर, come on, do it। क्या हुआ, मैसेज नहीं जा रहा? ऐसे कैसे मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? और जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहां पर नेटवर्क जैमर्स लगे हैं। मुझे पता था तू ऐसी नीच हरकत करेगा, इसीलिए पहले से ही मैंने नेटवर्क जैमर्स एक्टिवेट कर दिए। ना तो तू ये मैसेज भेज पाएगा, ना कोई तेरा मैसेज रिसीव कर पाएगा। वेरी स्मार्ट, तू नेटवर्क जैमर्स तो लगा सकता है, लेकिन मेरा मुंह वो तो नहीं बंद कर सकता। तो मीडिया वालों को ये गुड न्यूज मैं खुद दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को लग रहा है कि आज आप लोगों को काफी कुछ मसालेदार न्यूज मिली, लेकिन नहीं, वेट, पिक्चर अभी बाकी है। जो सबसे मसालेदार, तो मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकता। शब्द और मुंह तोड़ दूंगा मैं। देखा आप लोगों ने, मुझे सच्चाई नहीं बोलने दे, और इसकी बहन मेरी फैमिली आने का खराब अपनी खंदी जुबान से लिया ना, राहुल के लिए, राहुल के लिए। शिवा, 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 लीव, 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 है ना? बट्टा लगा मेरे भाई पर हाथ उठाया तो, दक्ष, हाँ बोल, बोल तो क्या बोलना चाहते हो? इसकी बहन प्रियंका, मामू पे हाथ उठाया? मामा हो या कोई और,
प्रियंका के बारे में किसी ने बकवास की बर्दाश्त नहीं करूंगा। रणवीर तुम समझ बस मौ बस बहुत ड्रामा हो गया। यू नो व्हाट मॉम, सुधरने का एक चांस दिया था पर आपने एक बार फिर अपनी असलियत दिखाई दी। नाउ इवन आई एम कन्विंस्ड आपकी जगह घर में नहीं, जेल में। ले जाओ इसे। क्या कर रहे? मामू को जेल भेज रहा हूँ, वो भी किस बेस पे? दक्ष एक मिनट, गंदी जुबान से लिया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। बात समझ में आई? माफी जाओ इसे। आज यहां जो कुछ भी हुआ वो उस आदमी की वजह से हुआ। वो आदमी मेंटली अनस्टेबल है पर आई एम श्योर पुलिस विल टेक केयर ऑफ हिम। पर यहां जो कुछ भी हुआ उम्मीद करता हूं वो बाहर नहीं जाएगा। वैसे एक बात है जो मैं आप लोगों से भी क्लियर करना चाहता हूं। मैंने बिजनेस रीजंस के लिए कहा था कि मेरी टिया कपूर से शादी हुई है, वो सच नहीं है। मेरी शादी अनिका से हुई थी और अनिका ही मेरी बीवी है। चलेंगी मिसेस अनिका शिवाय सिंह ओबेरॉय। मैं सिर्फ अनिका हूं। सिर्फ अनिका? मिसेस ओबेरॉय ने वैसे तुमने ही कहा था ना तुम SSOOO। हाँ वो मैं हूँ, शिवाय सिंह ओबेरॉय की ऑर्गेनाइजर, लेकिन पहले मैं अनिका हूँ। अच्छा क्या बीवी बोलते ही बीवियों की तरह बिहेव करने लग गए? वैसे मुझे नखरे दिखाने वाली बीवियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपकी 100 बीवियां हैं। वैसे आप बिल्लू और बिल्ली की लड़ाई अगर खत्म हो गई तो फंक्शन शुरू किया जाए। चलो आज मैं अपने परिवार के सामने, सारी मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करता हूं कि अनिका मेरी बीवी है।
किसी ने इससे कुछ कहा जिससे अनिका को चोट लगे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। गली के शरारती बच्चे जो बार बार मेरे मन की घंटियां बजाकर भाग रहे हैं। जैसे तुम रिएक्ट कर रही हो उसे पूरे देश को पता चल गया होगा। ए, स्माइल्स के आगे कुछ कहोगे, करोगे, बोलोगे? वो मैं कल अपने आपने सबके सामने जाऊंगा। ये कहा ना कि मैं आपकी मेरी क्या? मैं आपकी आने कहा तो मेरी कल आपने कहा ना सबके सामने कि मैं आपकी वो मैंने बहुत कुछ कहा तुम इसकी बात कर रहे हो। नहीं मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ कहा लेकिन जो मेरे बारे में कहा मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मैं आपकी हमेशा ताना मारती थी। उसकी बारी आए तो बोला नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो बोलो। कल आपने सबके सामने ये कहा ना कि मैं आपकी बीवी हूँ, वाइफ हूँ। हाँ तो नहीं वो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सब की लाइफ में कोई ऐसा होता है जो हमारे लिए सबसे बढ़कर होता है, खुद से भी बढ़कर। बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा इंसान होता है जिसपे वो मरते हैं और उसी को देखकर वो जीते हैं। उसकी कमजोरी भी होता है और उसकी ताकत भी, जो हमारी जिंदगी में पहले हर रायते को समेट लेता है, उसे यकीन दिलाता है कि कोई हो ना हो लेकिन वो हमेशा आपके साथ है। हर मुश्किल में, हर दुख में, जिसकी खुशी
आपकी खुशी से जुड़ी है। मेरी जिंदगी में वो इंसान आप हैं। मैंने इतनी भारी भरकम 100 किलो वाली लाइनें बोली, वो भी इतनी सारी फीलिंग के साथ। और क्या क्या बोला मैंने, जिंदगी, मौत, हार जीत, सुख दुख और पता नहीं क्या क्या। और आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? आ नहीं, इट्स नॉट आ, इट्स सेनो। मुझे पता है, मुझे पता है, ये जो इंग्लिश बोलने वाली हाई फाई लड़कियां होती हैं वो प्यारे डॉगीज को देखकर ऐसी आवाजें निकालती हैं। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट, इट्स नॉट दैट। तुम कोशिश करो, तुम कर सकती हो। इट्स इट्स जस्ट बहुत बहुत फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ ना ट्राई करो, होगा होगा। ठीक है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सीखना। कोशिश करो, कोशिश से सब हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, एक काम कीजिए ना, इसे जेब में डाल दीजिए, ये इनसे बात करना ना, दीवार पे सर फोड़ने के बराबर कोई फायदा नहीं। अंकल जी ने इन्हें फॉरेन भेजा था पढ़ने के लिए, इतनी सारी भाषाएं भी सिखाई होंगी, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो पता है इन्हें क्या बोला? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अभी ये भाभी रानी की झांसी क्यों बनी? झांसी की रानी, वही बोला मैंने। चुलबुल से ध्यान हटेगा तो कुछ सुनाई देगा ना। हाँ भाई, आप बताओ भाभी गुस्सा क्यों है? तो ओ बोल सकता है या ओ नहीं, ओ सिंपल ओ या ये जो रानी की झांसी की रानी है ना, कभी भी इसका पारा गुस्सा रहता है। I'm sure कुछ तो हुआ होगा, तुम दोनों की लड़ाई हुई? कुछ किया नहीं, तो फिर हुआ क्या? तुम लोग नया आने का कुछ जानते नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया। तुम लोगों को लगता है मैं तड़ीबाज हूँ ना, वो मेरी डबल तड़ीबाज है। हाँ Really? बात ना, हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ओके, टू थ्री, वन टू थ्री, बाहर नहीं जानी चाहिए। अनेका को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए यार, कभी नहीं, बिल्कुल। और तू स्पेशली तू, हाँ ये सब छोड़ो, अनेका भाभी को मना क्यों नहीं रहे? मैं नहीं मना, तो देखना अभी एक मिनट में आएगी और बोलेगी सॉरी। आ गई आ गई आ गई भाभी, कहाँ पे गई थी आप? बस तुम्हें जरूरत भी है, ठंडा पानी पियो और दिमाग ठंडा करो। ओके, ये जो लड़की है ना एकदम रिश्ता।